गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं शान सर, स्वागत करता हूं आप सभी का फेसबुक यूट्यूब लाइव कंप्यूटर क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि दिन पर दिन कोविड-19 पैंडेमिक महामारी का रूप धारण करते आ रहा है पूरे बिहार में, और साथ ही साथ बाढ़ का भी प्रकोप हमारे बिहार में छाया हुआ है। तो इस सिचुएशन में मैं शान सर सभी छात्र एवं छात्राओं, अभिभावकगण तथा मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, अपने सेहत का ध्यान रखें तथा आप सभी मास्क का, सैनिटाइजर का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ वाले जगह पे ना जाएं, जहां भीड़ है वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का प्रयोग करें। तो दोस्तों, मैं डेली बेसिक्स पे आपके बीच कंप्यूटर क्लासेस लेकर आपके बीच आ रहा हूँ दिन पर दिन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने आसपास के दोस्तों के साथ या स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो क्लासेस में। आज की जो वीडियो क्लासेस होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आज इंसर्ट ऑप्शंस के अंदर हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। आज हम इंसर्ट ऑप्शंस के अंदर टेबल कैसे बनाई जाती है इसके विषय में सीखने वाले हैं, और साथ ही साथ आज का जो हमारा वीडियो है वो सेल्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना भाग 7 है। खुद से कंप्यूटर कैसे चलाए या खुद से कंप्यूटर कैसे चलाना सीखे भाग 7 है। तो हमारा वीडियो देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करें, एमएस वर्ड को ओपन कर लें। आप जैसे ही एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो आपके बीच में एडिटिंग एरिया आ जाएगी। एडिटिंग एरिया में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप टेबल ऑप्शन होगी, टेबल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट टेबल्स लेंगे। अब इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स आपके बीच खुल जाएगी। सबसे पहले आपका इंसर्ट टेबल में टेबल साइज, नंबर्स ऑफ कॉलम्स और नंबर्स ऑफ रो की इनपुट करना होगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट है टेबल बनाने का वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा रिक्वायरमेंट है 5x20। मेरा रिक्वायरमेंट जो है वो 5x20 का है, और हम जैसे ही 5x20 का हम टेबल में इनपुट करने के बाद अगर ओके करते हैं तो 5x20 का टेबल आपके बीच बन जाएगी, अपियर हो जाएगी, खुल जाएगी। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज क्या करें कि ये टेबल्स जो बनी है, इस टेबल्स में आपको क्या करना है, फिल करना है। फिल करने के बाद इस टेबल्स को आप क्या कर सकते हैं, टेबल स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करें और टेबल स्टाइल में आ जाए, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स का टेबल्स डिजाइन अवेलेबल है, स्टाइल अवेलेबल है। यहाँ से कोई भी एक चूज कर सकते हैं आप, और जैसे ही चूज करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर टेबल्स भी कर सकते हैं, या आप कंट्रोल जेड करके भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं टेबल्स का। अब हम चाहेंगे कि टेबल्स के अंदर हमारा सेटिंग कलर हो, तो टेबल के अंदर सेटिंग कलर के लिए आपको क्या करना है कि डिजाइन ऑप्शंस के अंदर सेटिंग कलर होगी, आप यहां से सेटिंग कलर दे सकते हैं। तो जो भी टेबल्स के अंदर जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप दे सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे पहले टेबल्स को, सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, वहां से आप कोई भी कलर को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं कि बॉर्डर टेबल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है बॉर्डर का। अगर जब तक आप बॉर्डर को नहीं समझेंगे तो आप टेबल आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आज आखिर ये टेबल जो क्रिएट हुई है किसके माध्यम से, ये जो टेबल बनी हुई है वो आपका बॉर्डर के माध्यम से बनेगा। आप यहाँ से बॉर्डर भी हटा सकते हैं, नो बॉर्डर करके आप बॉर्डर को इनएक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने कलर लिया था वो कलर को नो कलर में हम कर सकते हैं। देखिए ये बॉर्डर हट गई, आप यहाँ से आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स का बॉर्डर है तो ऑल बॉर्डर आप दे सकते हैं। अब ये बॉर्डर की जो साइज होती है, इसकी साइज आप दे सकते हैं, यहाँ से जितनी भी साइज आपको देना है क्लिक करके आप उतनी साइज दे सकते हैं। टेबल्स के बॉर्डर्स आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद इसकी साइज, जो बॉर्डर की जो कलर होती है वो पेन कलर आप चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि पेन कलर मैं अप्लाई कर रहा हूँ जो कि एडिटिंग एरिया में शो कर रही है। साथ ही साथ उसके बाद आप यहाँ से इरेजर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो भी टेबल्स है उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मुझे फिर से कोई टेबल्स बनाना हो तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ टेबल्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो रिक्वायरमेंट होगी जितने टेबल्स की आप वहां से बना सकते हैं।
उसके बाद इधर से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी आज की वीडियो कैसे लगी बताना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। खुश रहें आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिएगा। आपका सांसद, जय हिंद जय भारत।